तो चलिए बनाते हैं बहुत ही क्रीमी एंड बहुत ही टेस्टी राइस खीर जो कि खाने में बहुत ही मजेदार लगेगी और बनाने में भी ये काफी आसान है तो चलिए बिना किसी बड़बोली के स्टार्ट करते हैं बनाना इसे तो सबसे पहले हमें ये छोटे दाने वाले चावल ले लेने हैं चौथाई कप इसे अच्छे से वॉश कर ले अच्छी तरीके से धोने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम सोख होने के लिए रख देंगे मतलब इसे साइड पे रख दीजिए आप पानी डाल करके उसके बाद हमें एक कढ़ाई लेना है या फिर आपके पास पतीला आप वो भी ले सकते हो मैं यहाँ पे मटका डिजाइन का ये कढ़ाई ली हूँ और इसमें हमें एक लीटर डूट डालना उसके बाद हमें दूध को एकदम अच्छी तरीके से उबाल लेना है जब तक कि आप देखोगे कढ़ाई जो है उसके साइड साइड में दूध जो है एक इंच कम ना हो जाए तो हमें इसे तब तक अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है तो आप देखिए दूध जो अच्छी तरीके से बॉईल हो गया तो हम इसमें सोख किए हुए चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि ये चावल जो है अच्छी तरीके से पक ना जाए इससे क्या होगा कि चावल और दूध दोनों एक साथ ही पकेंगे दोनों अलग अलग नहीं पकेंगे तो अब देखिए जो चावल है वो अच्छी तरीके से पक चुका है तो इसमें हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम एक टीस्पून स्पून पाउडर डालेंगे यानी कि इलायची का पाउडर और साथ ही में हम क्रश किया हुआ यहाँ पे काजू डाल देंगे 25 ग्राम के तकरीबन फिर इन दोनों चीजें डालने के बाद हम इसे लगभग एक दो मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पांच से छह टेबल स्पून चीनी डाल देंगे उसके बाद चीनी डालने के बाद हम इसे पाँच दस मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद जो है हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और फिर पतीला या फिर कोई बर्तन में इसे अलग निकाले थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा कर ले फ्रिज में या फिर बाहर में भी और बस उसके बाद खाइए मजे करिए बहुत ही यमी लगेंगी बहुत ही क्रीमी लगेंगी आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा घर पे बना के इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ बाय बाय